अगर ऐसे होता है, मान लो ऐसे ऐसे डिजाइन होती है पाया की, उस डिजाइन को आप कैसे बनाओगे? सर इधर बीच में मतलब एक बीम रखे, उसमें मतलब छेद कर देंगे, उसके अंदर मतलब इतनी आरी डाल के ये आरी से पूरा ये कितने, अगर ये मान लो मेरे को 5 सेंटी का बनाना है, 5 सेंटीमीटर का ये पूरा बनाना है यहाँ से, तो आप कैसे कौन सा लकड़ी यूज करोगे? सागवान का तो 4-3 सेंटी का आएगा, 4 सेंटी का आएगा, 5 सेंटी का क्या करोगे? लाई तो आएगा नहीं आपको, लकड़ आएगा। नहीं लकड़ आता था पहले। लकड़ कितना मोटा आता था? मतलब 4 इंच, मतलब 6 इंच तक मोटा आता है। 6 इंच तक मोटा तो वहाँ आता था मतलब। अच्छा, उसको बैंड कैसे करते हो आप? फरमा बना लेते हैं प्लाई का, प्लाई के हमने बाद निशान लगा देते हैं, निशान लगाने के बाद फिर छेद करके काटते हैं। आरा मशीन यूज करने आता जी? आरा मशीन नहीं, आरा मशीन के बिना कैसे करोगे? नहीं सर, मैं जैसे बीच में ड्रिल मशीन से पहले छेद कर दिया, मतलब हम मशीन चाहते हैं छोटी वाली काटने वाली, उससे मतलब जो मतलब दबा के मतलब राउंडिंग दे दे, दबा के राउंडिंग हो जाएगी। लकड़ है 5 मशीन मशीन 5 सेंटीमीटर मतलब इतना लंबा ब्लेड आता है उसका 8 इंच 6 इंच तो उसको मतलब जो जो उससे नहीं होता है जी। उससे आपने किया कभी? जी कैसे किया? वही मतलब जैसे आप बता रहे थे, ये लकड़ है जी, ये 5 सेंटीमीटर आपने ये ऐसे आपने निशान कर दिया इसको, तो ऐसे करना है ना जी। फिर क्या करोगे? ऐसे ये इसको यहाँ से ऐसे आरा मशीन घुमाओगे जी सर, मतलब आरा फिर ऐसे जाओगे मतलब इधर ये कट जाएगा, ऐसे हाथ से कट जाएगा ये खाली काट के बता दो इतना, मैं मान जाऊंगा। नहीं सर, मतलब इधर खाली ये काट, ज्यादा लकड़ी जब रहती है ज्यादा मोटी, मतलब 6 इंच मतलब चाहिए। अब जो आरा मशीन मतलब गाँव में चलती वहाँ पे आरा मशीन से हम लोग कटवा के मंगा लेते थे, और यहाँ पर मतलब जो है मतलब गाँव में आरा मशीन चलती है, वहाँ भी ले जाके फर्मा बना के दे देते हैं, निशान लगा के काट के दे देते हैं, उसके बाद मतलब हम लोग हो चुके थे मतलब साथ। आप इसको काटते हो इसको राउंड में कैसे काटोगे? राउंड में काटने के लिए मशीन चाहिए, आरा मशीन जी, खाली आरा मशीन नहीं, उसके अलावा भी एक मशीन जी। तो हाँ जी सर, करना पड़ेगा आपके हिसाब से काम करने के लिए। बाकी ये ऐसा नहीं कि ये लोग मटेरियल से उन्होंने या टूल से उन्होंने या ये फिर इनकी सैलरी उतनी नहीं बनती है ना, जो सैलरी जो मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना, अभी मेरे को आदमी चाहिए जो साइट पर जाकर कहाँ पे काम किया है? सर इंडिया में काम किया। किधर काम किया? इधर इंडिया में जो है के जो है कंपनी उसमें काम किया। अच्छा, और बाकी पार्ट टाइम इधर ये बहरीन में भी गए हो? बहरीन में गया हूँ। तो साल फिर क्या किया वहाँ पे? फिनिशिंग काम में गया था। तो 2 साल के बाद आ गए? 1 साल के बाद गए? नहीं नहीं 2 साल, एक ही तो साल का है रेसिडेंस परमिट तो 1 साल। अच्छा, एक एक साल के 2? हाँ हाँ, 2 जगह लगा हुआ। फिनिशिंग काम उधर बंद हो गया ना फिर? क्यों बंद क्यों हो गया?
कंपनी को दूसरी कंपनी को दे दिया सारा कुछ, तो फिर हम चला है, जब काम चलेगा तो फिर जाएंगे, तो अब बोले कि दूसरी जगह लगा सकते हैं, कह ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी जगह लगा के जा सकते हैं, फिर हम सर फिनिशिंग में कपाट है, डोर है, जैसे साइड पर अलग जगह सेट करना उसको, बस साफ से बन के वहाँ सेट करना, सेटिंग कर लेते हैं, बोले उसके बाद मॉडल किचन है उसको सेटिंग करना, और जो जितना कारपेंटर मतलब लकड़ी लाइन में जितना लकड़ी कौन कौन सी यूज करी है हमने, सागौन की यूज करी, चाप की यूज करी है, और बर्माटिक है, बर्माटिक कितने महंगे होते हैं, बर्माटिक का कलर क्या होता है, कलर बर्माटिक का वो ये जैसे आपका बना होता है, और कितना मोटा कितना होता है, मोटा तो काफी होता है, उसको कटवा के सिलवाना पड़ता है, तो होती है इसकी। अभी दरवाजा बनता है बर्माटिक का, वो क्या करोगे, वो पूरा का पूरा नहीं ऐसे नहीं, 5 इंची फ्रेम में चेरेंगे उसको, 5 इंची में 5x1.5 का, फिर 7 फुट लंबा, 3x7 का बनता है दरवाजा, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर फ्रेम लगाते हैं नीचे, और बीच में एक प्लाई डाल के सीढ़ी डाल के अंदर क्या होता है, प्लाई फोम वोम भर देते हैं, ग्लास जैसे नहीं वो जैसे प्लाई जो है कट पीस डाल देते हैं, उसके बाद हल्का करने के लिए वो जो डालना जरूरी क्यों है, बिना कुछ डाले भारी ज्यादा होता है ना, वेट ज्यादा हो जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ वेट ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग खाली अगर चारों साइड उसको 6-6 मिली की प्लाई से, हाँ ऐसा हो जाए, नहीं 6-6 मिली फ्रेम बना के अंदर जिरी मार के, फिर उसके बाद 12 इंच का प्लाई आता है, उसको भर के मोटे लगा के बना देते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको लॉक लगाना होगा, लॉक फ्रेम गिर जाएगा ना, नहीं फ्रेम है ना हमारा, जैसे फ्रेम बनाते हैं लकड़ी का 5 इंची by 1.5 इंची का लकड़ चिरवा के फ्रेम बना के, फिर 12 मिली का प्लाई अंदर जीरी डाल के फिर वो डाल देते हैं, फिर लॉक लगाना तो फ्रेम में लॉक लगा देते हैं, उधर कब्जे में उधर फ्रेम में लॉक कब्जे लगा देते हैं, बस मेरे को पता है इतना 96 mm का आता है, इसमें कितना mm का लगता है, 60 mm का, 60 mm का वायर ही नहीं है, कितने mm का वायर आता है आपने, कितने mm तक के वायर, 25 mm क्या था, 16 mm क्या था उसमें सर, ये तो मेन जो केबल आते हैं सर उसमें डी फिट करने के लिए, बाकी जो बोर्डों का हमें कनेक्शन करना है गीजर के लिए आपका हो गया 1.2.5 गीजर आता है ना, गीजर आता है हीटर, वोटर हीटर, उसमें कितने mm का वायर डालते हैं, उसमें आपका 32 का वो आपका एनसी वर्क लग जाएगा, और 16 के 32 mm एनसी वर्क होता है सर, और हमने वाइट पानी गर्म करने के लिए बताया सर, वायर की बात है, वायर कितने भैया पीछे से इलेक्ट्रीशियन सब 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 सब
कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो मल्टीमीटर का काम करेगा, शॉर्ट सर्किट डाउन हो गया, ब्रेकर डाउन हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रेकर किधर से काम करेगा? सर हम जो एनसी बॉक्स लगाएंगे एनसी बॉक्स, अभी मैंने है ना चार्जर खराब चार्जर बताया वो खराब करेंगे।